जारी आंडी देख रहे आशा दर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए आज मैं आपको बताने दूंगा, आज मैं पहुंचा हूं सफीदों में। सफीदों क्यों पहुंचा हूं आपको बताना चाहूँ कि जो हरियाणा के भाई आपको पता है कि जो सुनील संधू है भाई, आपको पता है वो गरीब परिवारों की है, अभी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा आज वो तिरंगा यात्रा पर निकले हैं और देख सकते हैं यहाँ पर भी पोस्ट यहाँ पर लगा हुआ, हर घर तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। तो ये है कि भाई जो हर घर भाई वो तिरंगा पौधा भी पहुँचाने का काम करेंगे और साइकिल यात्रा उनकी चली हुई है। सासी हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो फिलहाल अभी देखते हैं हर घर तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा, पौधे लगाने का इससे अच्छा समय और कोई नहीं। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर है तस्वीरें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई। ये वह तस्वीरें हैं जहाँ पर भाई जो सुनील संधू को सम्मानित किया गया है और अखबारों में उनकी ये भी खबरें आई हुई है। तो आज तक की जो खबरें हैं तो फिलहाल अभी देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ भाई। जो पुरानी कुछ जो यादगिरी है सुनील संधू की भी ये यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम देख सकते हैं। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे ये पेड़ पौधे हैं भाई जो घर घर पौधे पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं। और पीछे भी यहाँ पर देख सकते हैं हर घर तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। तो दिखाना चाहूँगा मैं और भी पोस्टर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये दोबारा से वही पोस्टर है और जो भी अखबारों में है भी। एक खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाइडलैंड प्रति ईंट भट्टे पर बच्चों को सर्दी में तो देख कॉन्स्टेबल पुलिस ने लिया सहायता करने का प्रण, 3 साल में 35,000 जरूरतमंदों को बांटे कपड़े। तो फिलहाल देखिए दोस्तों ये वह तस्वीरें हैं भी आज तक है उनको सम्मानित किया गया है और जहां पर गरीब परिवारों की उन्होंने सहायता की है। तो अभी हम है भाई जो सुनील संधू है उनसे बात करना चाहेंगे, क्या शो कह रहे चौहान की गौशाला पर पहुँचे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर बात करना चाहिए। तो आज हम मतलब एक अभियान चलाते हैं कई साल से, घर घर तिरंगा। ये मेरी वाइफ और मैंने एक बार अपने घर से तिरंगा लगा कर शुरू किया था। तो हमारा एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना था कि हमारे देश के हर घर पे तिरंगा होना चाहिए और हर घर के आंगन में पौधा होना चाहिए। तो हम जितना हमारे से होता है देश के लिए, मतलब अपनी सैलरी से जितने हम पौधे खरीद सकते हैं, तिरंगे खरीद सकते हैं या अपने भाइयों के सहयोग से, हमने अपने गाँव में भी लगाए थे। और प्रयास है जब भी हमें मौका मिलता है, ये नहीं कि हम भाई कोई दिन फिक्स है हमारा 15 अगस्त या 26 जनवरी पे ही। और बड़ी खुशी हुई कि भाई ये मुहिम हमारी पूरे देश में अभियान बन गई है, अब सरकारें भी इसके ऊपर पूरा जोर शोर से लगी हुई हैं। और एक मुहिम आपने स्टार्ट की तिरंगे की और आज उसको मोदी जी ने अपना लिया और हर पूरे देश के लिए इससे सर इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बहुत मतलब अंदर से इतनी खुशी है, बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा जो गौ माता की इतनी सेवा करते हैं हमारे भाई, हमने कहा था भाई आप जैसे ही लगे रहो, और सफीदों ने इन्हें आशीर्वाद दिया, MCB बनाया, ये और भी ज़्यादा विकास के काम भी करेंगे उम्मीद करता हूँ, और भी आगे बढ़ेंगे, MLA बने भाई, MP बने और बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाएं और ऐसे ही लोगों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। सुनील जी, आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश, और उस पर अब आपकी तिरंगा जो यात्रा है देश, आप जो सपना था घर घर में तिरंगा फहराया जाए, लेकिन अभी कुछ लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन्हीं को अवेयर करने के लिए हम निकले हैं साइकिल पे। हमें देखें भाई, एक पुलिस वाला भी घूम रहा है साइकिल उठा रहा है। पिछले साल भी हमने 7 जिले कवर किए थे, 950 किलोमीटर चले थे, और अब भी हम मतलब सुबह से चले हुए हैं और लगातार करेंगे। 15 दिन की छुट्टी लेके निकले हैं। तो मैं आज सफीदों आया और भाई ने हमारा मतलब इतना मान सम्मान किया और आपका हमें सहयोग मिला। आपको जो आप ये लाइव चलाते हो वीडियो मीडिया के माध्यम से, दूर तक जाएगी, लोग देखेंगे कि भाई कैसे तिरंगे से बढ़ के कुछ नहीं है। क्यों, कुछ लोग अपनी अपनी मांग रखते हैं, तिरंगे को ही बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं भाई इससे बड़ा कुछ नहीं है देश के साथ। और मतलब एक कहावत है हरियाणवी में, हाथी के पैर में सबका पाँव। तो भाई ये तिरंगा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर इसकी तरफ आंख उठा के देखोगे तो हमारे दीपक भाई जैसे बहुत सही युवा नौजवान ताकत यूक्रेन में भी देख ली और देशों के बच्चे भी अपने तिरंगे की ताकत से ही उस भीड़ से उस मुसीबत से निकल पाए। ये जो आप कह रहे हो रोंगटे खड़े करने वाली बात है, मतलब एक शरीर में ऊर्जा, वो एक रक्त का कहते हैं ना बहाव बढ़ जाता है। हमारे तिरंगे के साथ कितने लोग बाहर निकले हैं यूक्रेन से, क्योंकि जिसके हाथ में भी हमारे देश का तिरंगा था किसी ने उनको छेड़ा नहीं। और जो ये लोग हैं कि ये बोल दिए, क्योंकि उनका काम है कंट्रोवर्सी करना तिरंगे के प्रति, जो तिरंगे के खिलाफ ही बोल रहे हैं, इसको ही पसंद नहीं करते, वो क्या करेंगे, वो क्या देश का विकास करेंगे और क्या देश की
मुहिम में आगे बढ़े। जैसे आप चल रहे हैं तो क्या आप अपने साथ तिरंगा वितरित भी कर रहे हैं, जैसे आप पौधारोपण करके तिरंगा भी साथ लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तिरंगा साथ लेके चल रहे हैं और जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे साथी हैं और तिरंगे को अच्छे से संभाल के और साफ सुथरी जगह में ढंग से लगा सकते हैं, उसकी देख रेख उन्हें हम तिरंगा भी देते हैं। वैसे तो कई मांग लेते हैं, हम नहीं देते हैं क्योंकि हमें पता है वो खुद ही लिबड़े पड़े हैं, वो क्या वो करेंगे। तो जिसको भी तिरंगा चाहिए हम यहाँ भी तिरंगा देंगे। आप साइकिल पर आए तो कितनी दूर से आप साइकिल से आ रहे हैं? हमने पिछली बार 950 किलोमीटर किया था, तो अब की बार हमारे पास टाइम कम है, हम शहर टू शहर कर रहे हैं, शहर की सीमा से अगली सीमा तक, क्योंकि एक बकवास कर देते हैं कि मैं तो लगातार ही चल रहा हूँ, नहीं एक आदमी इतने टाइम में और इतना लंबा नहीं चल पाएगा। हमारा पिछली बार पूरा हरियाणा कवर करने का था लेकिन हम 7 जिले ही कर पाए क्योंकि हमने हर गांव से हर गली से साइकिल निकाला, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हमने देखा रास्ते में ट्रक वाले हैं या कोई बड़े साधन हैं, कुछ लोग तो इतने समझदार हैं रोक के हमें पानी भी पिलाते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, और कुछ ऐसे हैं साइड में बिल्कुल ऐसे लेके जाते हैं, डर लगता है कि कहीं ये लपेट ना दें। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम सबको यही कहेंगे, सबसे पहले तो भाई अपनी गाड़ी साइड में और आराम से चलें, दूसरा ये कि भाई तिरंगा हर घर पे हो। और मैं ये जो मतलब अब तो सफल ही मानता हूँ इस मुहिम को कि जब पूरा देश इसको अपना रहा, अभियान बना दिया है, और यही मैसेज है भाई हर घर पे तिरंगा, हर आंगन में पौधा। और सरकार से मैं एक अपील करूँगा कि हर सर पे छत भी हो, हमारा एक मैसेज है, क्योंकि बहुत से परिवार हम देखते हैं जिसके आज तक सर पे छत नहीं आई है। हम अपील करेंगे अपने आपके माध्यम से कि आप इस तरफ जैसे ध्यान तो वो दे रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश का नागरिक बिना छत के हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। तो इसमें हमको लेकर भी कोई बीड़ा उठाएंगे? हमारा यही बीड़ा है, हमारे से अच्छा इससे अच्छा हमें प्रधानमंत्री क्या मिलेगा जो इतना सबके बारे में सोचता है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और ये हमारा ये मैसेज भी है भाई हर, देखो सारी चीज़ें सरकार पर नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हम कोई पैसे वाला है उसके पास टाइम नहीं है, किसी गरीब की मदद कर दे, ये कहते हैं कि तिरंगा ये रेट मिल रहा है वो रेट मिल रहा है, भाई जिसके पास पैसे हैं वो दूसरे को दे दे, अगर नहीं खरीद 20 रुपये का तिरंगा भी कोई बड़ी बात है क्या? ये तो लोगों का कंट्रोवर्सी काम है फैलाना तिरंगा। तिरंगा तो हमारे देश की आन और बान और शान और से लगाने से तो हम अपने कहीं ना कहीं देश के प्रेम को प्रकट करते हैं। हाँ यही तो देशभक्ति, हमारे बच्चों को तो पता लगे तिरंगा कैसे हमें आज़ादी मिली, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितने शहीद हुए हैं, ये तो एक कह देते हैं तिरंगा कैसे मिला, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो यही है, हमने हजारों किलोमीटर पैदल भी चले, हम पैदल यात्रा भी करी हमने, साइकिल यात्रा से अलग जल बचाओ उसमें भी हम तिरंगा साथ रखते हैं, पराली का अभियान चलाया हमने, किसानों को तिरंगे बांटे, हमारी इस पर हमने फोटोएँ लगाई हुई हैं ऑटो के टेम्पो के ऊपर दोनों साइड, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने वो आप मीडिया वालों ने कवर की हुई है, कोई ये नहीं है इंग्लिश पेपरों में हिंदी में कि भाई हमने जो जो अभियान चलाए हैं, लगभग हमने कुछ तो हमारे याद भी नहीं है मैम कि हम बता नहीं सकते हमने कितने अभियान चला लिए। क्या आपको जब ये अभियान चलाते हो तो क्या आपको सरकार का कुछ इसमें सहयोग मिलता है या अपने ही? नहीं ये हम अपने लेवल पे करते हैं क्योंकि ना तो हम सरकार को कहते कि हमारा सहयोग करो, अगर कोई करे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेवल पे ही करते हैं। तो दीपक जी आज आपके यहाँ पर आए हैं सुनील जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी शहर की समस्याएं भी और जो सामाजिक कार्य होते हैं सबसे पहले आप बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य आगे को बढ़ाते हैं। और उसके बाद मैं अपने बड़े भाई सुनील संधू जी का जो एक पर्यावरण प्रेमी है, ट्री मैन कह लो और गरीबों के लिए भी कह लो और गाय के लिए भी हर फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इनका सबसे पहले मैं सफेदों पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे देखिए इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है तिरंगा, इन्होंने कई वर्षों से पहले चला दी थी ये मुहिम और अब वो यहाँ पर आकर रंग लेके आई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा जो मुहिम थी इन्होंने कई वर्ष पहले चला दी थी, तो आज इनका भी मतलब जो सपना था वो भी पूरा हो गया, अभी वो हर घर तिरंगा पहुँच रहा है, पूरे देश में हर घर तिरंगा पहुँचेगा, तो ये बहुत बड़ी सफलता इनके लिए और इनको भी मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपका सपना पूरा हो रहा है। तो इसी प्रकार से यही इनको कहना चाहूँगा कि भी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यों में अपना जितना भी समय होते देते रहो। देखिए एक कार्य अपने ये एक ड्यूटी भी नहीं बांटते हैं पुलिस की, उसके साथ साथ इतना कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो आदमी एक ही अपने जीवन में एक ही अपनी नौकरी में कह लो या अपनी लाइफ में कह लो उसमें ही व्यस्त रह जाता है, लेकिन बड़े भाई हैं इतना समय निकाल कर इतना कार्य कर रहे हैं तो इनको बहुत बहुत साधुवाद है।
जी आज देखिए यहाँ से पिद्दो पहुँचे हैं, जितना पौधारोपण होगा वो करेंगे, तिरंगा वितरण होगा वो करेंगे। उसके बाद हमने अपने पिद्दो नर्सरी से हमने पौधे लिए हैं, जो कि लगभग 60-70 की संख्या में पौधे हैं, उनको अपना पुराने बस स्टैंड पर अभी जो राहगीर हैं उनको वितरण करेंगे, ताकि वो अपने घरों में उन पौधों को लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं पौधा लगाने की जो मुहिम है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर है, जबकि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलता जा रहा है उसे रोकने के लिए मुहिम चलाई गई है। जी जी, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि आज आप भी देख सकते हैं प्रदूषण से कितना विनाश हो चुका है, प्रकृति का दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। तो जितने जो पेड़ पौधे होंगे उतने ही ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, हमें गोवंशों के लिए या अन्य पशुओं उनके लिए भी बेहतर है और प्राणियों के लिए भी बेहतर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं आजकल जो है कि कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह पर जो खेत की जमीन है उनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हैं, तो प्लान यही है भाई साहब, हम कहना चाहते हैं देखो, एक आदमी अगर 500 गज में रह रहा है तो वो कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ता भाई जो पक्की ना हो, ब्लॉक लग जाएंगी, सीमेंट के लग जाएंगे, टाइल लग जाएंगी और जो लेंटर लग जाएंगे। अब गर्मी तो बढ़ेगी, जब धूप पड़ती है तो वो हीट देता है, आराम बरसता है, वो पानी नहीं जा पाता, सारी तो कवर कर दी और लगे हुए हैं, तो कच्ची ज़मीनें छोड़ना ज़रूरी है। और आ जाएगा टाइम, ऐसे नहीं लोग सुधरेंगे तो प्रकृति सुधार देगी। गवर्नमेंट को भी चलाना चाहिए और हम भी इसकी तरफ अगली बार कोशिश करेंगे, अपने अभियान में इसको भी शामिल करेंगे कि जो बच्चे पक्के घर थे, पक्के ठीक हैं लेकिन इतने भी पक्के मत बनाओ कि बारिश आए और वो ज़मीन तक पानी ना जाए। अगर ये इतना वो ना होता ना, ये जगह जगह दिखाते हैं इतना पानी, इतनी बाढ़, ये नहीं आती अगर कच्ची ज़मीनें होती, क्योंकि ज़मीन को पीने के लिए ना छत पे जगह रही है ना नीचे रही है, तो खेतों में जीरी लग जाती हैं तो पानी कहाँ जाएगा, वो ये मेन कारण है। सर, आप गरीब परिवार की शादी करते हैं तो आप जो ड्यूटी करते हो समय कैसे निकाल लेते भाई? जैसे अभी हम एक दिन आपको पिछली बात बताते हैं, एक आंटी किसी नेता के पास गई थी मिलने, तो वहाँ उसको मिलने नहीं दिया या क्या कारण था वो ये खुद ही बता रही थी, तो वहाँ कोई पुलिस वाला भाई था, उसने कहा कि भाई आप वहाँ चौकी में चले जाओ। हम कहीं ड्यूटी से आए तो एक देखा एक लेडीज़ बैठी हुई है, मैंने हमने पूछा आंटी आप क्यों बैठी, बोल रही है सुनील संधु से मिलना है। जी सर। मैं वो मेरे को नहीं जानती थी, आंटी जी क्या हो गया, बोले मेरी लड़की की कल शादी है। जी। तो भाई कल ऐसा तो मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, कल मैंने कहा आंटी चलो एक बेड है मेरे पास रखा है, शादी में ही काम आ जाएगा, नया है, उसको दिया हमने और उसको भरोसा दिया कि आंटी देखो कोशिश करेंगे, पक्का नहीं कह सकते। उसने कार्ड लग नहीं छपवाए थे, अपने साथियों से बात की भाई ऐसे ऐसे है, तो हम जब घर गए उनका घर देखा, उसका कोई टेंट नहीं था, कोई हलवाई नहीं था, उसने 5 आदमी बोला था बुलाएंगे हम, बस अगर करने की लालसा हो, अगर दिल से कोई सच्चे मन से करे तो मतलब कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं और करने वालों की, तो 2-4 साथियों को बोला तो 10 आए और उस आंटी की शादी मतलब बेटी की शादी हो गई। बस यही है, आते जाते अब कुछ लोग कहते हैं कि पैसे बिना समाज सेवा नहीं होती, आप करके तो देखिए, सर्दी आती है हम देखते हैं कुछ बच्चे हैं सड़कों पे घूमते हैं, जगह झोपड़ी में हैं, उनके पैरों में जूते नहीं होते। अब मेरे पास ही 10 जोड़ी फालतू पड़ी हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है पहनने की, उसको फेंकने की बजाय बेचने की बजाय कबाड़ में उन ज़रूरतमंद को दे दे, अपने बच्चों की दे दे। हम ऐसे स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों से वो पुराने कपड़े जूते, हर साल वर्दियाँ चेंज होती हैं, हम रोना तो रोते हैं कि वर्दी चेंज होती है, कभी ये नहीं सोचते वर्दी तो चेंज होगी इसको कहाँ यूज़ करें, तो हम वो ले लेते हैं और उन ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। ऐसी ऐसी छोटी मोटी समाज सेवा हम करते हैं। आपका भी बहुत तो फिलहाल अभी दे सकते हैं जो समाज से मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो उसमें संधु है भाई, जो उनकी तिरंगा यात्रा तो चली हुई है और साइकिल पर है भाई, जो तिरंगा यात्रा में कर रहे हैं और फिलहाल अभी दे सकते हैं। जी सर, जो अभी आप है तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं, पूरे हरियाणा से निकाल रहे हैं? हाँ, हम पूरे हरियाणा में कोशिश करेंगे जाने की। जी जी, पूरे हरियाणा में। जी जी जी। तो फिलहाल अभी तस्वीर आप देखते हैं भाई, जो दीपक चौहान जो शहीदों के वार्ड नंबर 4 से पार्षद है और उनकी भाई देखते हैं, यहाँ पर है नंदीशाला है और यहाँ पर है जो सुसंधु यहाँ पर पहुँचे हैं, तो जितने साथ ही जो लाइव तस्वीर है भाई जो आप देख पा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को है भाई शेयर करें। धन्यवाद।